नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बताते चले कि विगत दिनों देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार हितों में कई बड़े फैसले तो लिए गए, पर सारे फैसले जमीनी स्तर पर निराधार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही कई घटनाएं संज्ञान में आई हैं, जिनको लेकर ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर पत्रकार के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने का बड़ा बीड़ा उठाया है। और हाल ही में कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र से एक पत्रकार साथी टीकम सिंह के ऊपर बिना जाँच किए कई संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और साथ ही कानपुर देहात से भोगनीपुर विधानसभा के विधायक विनोद कटियार के द्वारा इंडियन प्राइम न्यूज के डायरेक्टर पर दी गई तहरीर पर बिना जांच किए मुकदमा लिखे जाने के विरोध में सोमवार की सुबह सभी पत्रकार साथी एकत्रित होकर ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के बैनर तले पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष जाकर सभी पत्रकार भाइयों ने अपनी बात रखी और पत्रकार के ऊपर हो रहे निराधार मुकदमों से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक की ओर से समस्त पत्रकार बंधुओं को आश्वासित किया गया कि पत्रकार के ऊपर हुए मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराकर आगे की कार्यवाही की जाएगी और अगर जांच के दौरान यह मुकदमे फर्जी साबित होते हैं तो इन मुकदमों में तहरीर देने वाले पर भी उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने पत्रकार से वार्ता के दौरान बताया, सभी पत्रकार देश के चौथे स्तंभ हैं और उनका सम्मान समस्त देश का सम्मान है। अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी पत्रकार के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा व कोई भी आरोप लगाया जाएगा और जांच के दौरान पत्रकार बंधु दोषी नहीं पाया गया तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौजूद सरकार में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई पत्रकार पर फर्जी मुकदमे लिखे जाने की खबर आए दिन मीडिया संस्थानों के द्वारा लोगों के सामने आ रही है। हाल ही में तीन पत्रकार द्वारा स्कूल में ठंड में ठिठुरते बच्चों से योगा कराने की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा लिखना हो या चौबेपुर में खबर कवरेज करने गए पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिखना हो या देश के बहुचर्चित पार्टी के नेता के खिलाफ खबर चलाने से मुकदमा लिखे जाने की बात हो, सभी जगह पत्रकारों को ही टारगेट कर उन पर मुकदमा लिखे जा रहे हैं, जिसका ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा घोर निंदा करता है। दोनों हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ एक चौबेपुर थाने में और एक कानपुर देहात थाने में साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया। उस संदर्भ में हम लोग आज आईजी साहब से मिलने आए हैं। हमारा संगठन ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी निगम जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ देने आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग दे चुके हैं। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पर मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। आए दिन शहर में ऐसे पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न होता रहता है, इसको लेकर आपकी संस्था क्या कर रही है? संगठन ने पूरा मोर्चा संभाल रखा हुआ है। आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन होता रहेगा, हम कलम के माध्यम से पूरा न्याय दिलाते रहेंगे और कहीं भी संगठन जरूरत पड़ेगी पत्रकारों के लिए, जन दिन हो या रात हो, हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। दोनों हमारे पत्रकार साथियों के खिलाफ एक चौबेपुर थाने में और एक कानपुर देहात थाने में साथियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया। उस संदर्भ में हम लोग आज आईजी साहब से मिलने आए हैं। हमारा संगठन ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी निगम जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ देने आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग दे चुके हैं। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पर मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। आए दिन शहर में ऐसे पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न होता रहता है, इसको लेकर आपकी संस्था क्या कर रही है? संगठन ने पूरा मोर्चा संभाल रखा हुआ है। आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन होता रहेगा, हम कलम के माध्यम से पूरा न्याय दिलाते रहेंगे और कहीं भी संगठन जरूरत पड़ेगी पत्रकारों के लिए, जनरा दिन हो या रात हो, हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। लेकिन कानपुर नगर के और कानपुर देहात के कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा दो प्रकरण मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। एक थाना चौबेपुर में किसी पत्रकार से मुकदमा दर्ज हुआ है और एक कानपुर देहात भूमिपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों ही प्रकरणों में निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाएगी और यदि ये प्रकरण गलत है तो दोनों प्रकरणों में हम लोग इन मुकदमों को खत्म करेंगे और प्रशासन और पुलिस लगातार पत्रकारों के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करते हैं, तो किसी भी पत्रकार के साथ गलत रूप से कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, चूंकि मीडिया है, अगर ये शासन को एक निर्देश जारी करके एक आदेश निकला गया है कि किसी भी पत्रकार के बिना किसी
देखिए ये जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं तो अगर कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हुए कोई इस तरह का कृत्य करता है उसमें FIR है तो उसमें जांच और अंतिम करना दर्ज होना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति से उसका झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो ऐसे मामलों में पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, उसके बाद पूरी जांच करती है और अगर वो फर्जी होता है तो उसे एक्सपेंड करती है और FIR दर्ज कराने गलत FIR दर्ज कराने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करती है। इन मामलों में भी यदि मामले गलत दर्ज कराए गए होंगे तो पुलिस नियमित कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।